दोस्तों क्या गूगल प्ले स्टोर सेफ है, सिक्योर है? जी हाँ, जो भी वहाँ पर ऐप्स या गेम्स हैं क्या वो आपको सिक्योर लगते हैं? नहीं। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर हैक हो चुका है, तो आइए इसके रिलेटेड आज हम जानेंगे। दोस्तों मैं हूँ उज्ज्वल, नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक इन्फो में। तो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया है कि गूगल प्ले स्टोर हैक हो चुका है, जी हाँ। बट यहाँ पर क्या हैक हो चुका है मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह का एक्शंस लिया गया है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गूगल ने खुद एक्सेप्ट किया, गूगल ने खुद ये अनाउंस किया है कि सितंबर में, जी हाँ, ये 2017 सितंबर में एक ऐप था जो अपलोड किया गया था गूगल प्ले स्टोर पर, जिसका नाम था टीजी, TIZI, जी हाँ। ये ऐप क्या करता था, जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो तो ये आपके जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं सभी की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेता था। इवन आपके जो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो, जो भी हो, इवन आपके व्हाट्सअप के कॉल रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेता था, आपके कॉल लॉक्स हिस्ट्री डाउनलोड करता था, आपके पिक्स इमेजेस तक डाउनलोड करता था, इवन आपका कैमरा तक वो यूज़ कर सकता था। जी हाँ, कैमरा क्लिक कर सकता था पिक्स और बिना आपके स्क्रीन पर आए और वो डाउनलोड भी कर ले सकता था। जी हाँ, ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेड टाइप का एक स्पायवेयर था जो गूगल प्ले स्टोर पर आ गया था। जैसे ही गूगल को पता चला, उन लोगों ने फटाक से, जिसने वो अपलोड किया, पहले तो वो ऐप को डिलीट किया, पूरा उसके लॉक्स निकाल दिए, पूरा क्लीन कर दिए, और जिन्होंने किया था उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, तो घबराइए मत, अभी गूगल प्ले स्टोर सेफ है। बट मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह का ऐप जब आपके मोबाइल में आता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करते समय परमिशंस पूछता है। वो परमिशंस में आपको पूरा डिटेल में बताता है कि मुझे SMS का एक्सेस चाहिए, मुझे कॉलिंग के लिए एक्सेस चाहिए, मुझे आपके हार्ड ड्राइव को रीड राइट करना है या फॉर्मेट मारना है उसके एक्सेस चाहिए। तो आप ये पढ़कर इंस्टॉल कीजिए। हम क्या करते हैं, बिना पढ़े से ओके नेक्स्ट 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 ओके करके इंस्टॉल कर देते हैं। बट ये गलत बात है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, केयरलेस मत बनिए। तो जी हाँ, और ख़ासकर जिन्होंने अपने मोबाइल को रूट किया है उनके लिए खासकर है, क्योंकि जिनका मोबाइल रूट होता है उनका फुल एक्सेस होता है वो यूज़र। अगर से ऐसे मोबाइल में जो रूट किया गया है उसमें अगर से ये ऐप आता हो तो आपको परमिशंस भी नहीं मांगेगा और फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा और आपके फ़ोन की वाट लग जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, रूटिंग वही करो जो जिसे नॉलेज हो फुली, जो टेक बंदा हो, वरना तो कोई हाथ ही मत लगाओ। जो मोबाइल कंपनी ने जो यूज़र दिया गया है बस वही यूज़ करो यार, चुप रूट करके क्यों आपका मोबाइल और आपका टाइम क्यों वेस्ट करते हो और आपका पैसे क्यों वेस्ट करते हो। तो मेरा कहना यही है कि सिक्योर रहो, सेफ रहो। गूगल प्ले स्टोर में कुछ ऐप्स ऐसे आ सकते हैं जो आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं। तो गूगल हैक हो चुका था बट उन्होंने निकाला है, उन्होंने क्लीन किया है, अभी कुछ इशू नहीं है। बट आप डरिए मत, सब बग फिक्सेस भी उसके कर दिए हैं टीजी के, अभी वो इंस्टॉल हो जाएगा तो भी बिल्कुल भी आपका मोबाइल एक्सप्लॉइट नहीं होगा। जी हाँ, और जो भी बग फिक्स आएंगे, जो भी आता है आपके मोबाइल में अपडेट्स, वो ज़रूर अपडेट कीजिए, क्योंकि वो इस टाइप के जो भी स्पायवेयर्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए वो बग फिक्सेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो खासकर हैकिंग पर, जो हैक हुआ था गूगल प्ले स्टोर पर, टीजी ऐप ने जो किया था, सोशल स्पायवेयर ऐप कह सकते हो आप इसे, जो आपके सभी सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं वो सभी को स्पायर कर रहा हो। तो ये फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर से मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूले। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है उन लोगों को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है एक कि जैसे ही आप सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन देखेगा, आपने अब तक उसको क्लिक नहीं किया है इसलिए मेरे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब के जो साइड में, जो राइट साइड में छोटा सा बेल है उसको आप क्लिक कीजिए, तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप कोई भी मेरा लेटेस्ट अपडेट्स मिस नहीं कर पाओगे। और जी हाँ, नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी वही रिक्वेस्ट आएगी कि जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ज़रूर। और कुछ भी आपको इस रिलेटेड कुछ बोलना हो, जानकारी चाहिए हो, या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पता हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको ये क्या लगा कि गूगल प्ले स्टोर सेफ है या सेफ नहीं है, या सेफ है तो क्यों है और सेफ नहीं तो क्यों नहीं है, और इट इज़ी ऐप क्या है, आपको ज़्यादा कुछ पता हो तो भी आप कमेंट्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ ना, बाय बाय, जय हिंद।